हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू ड्रॉ अ नोज स्टेप बाय स्टेप फॉर बिगनर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारे पास नोज की ड्राइंग एंड शेडिंग का पैटर्न है। तो किस तरीके से शुरुआत करनी है आइए समझते हैं। तो समझने के लिए दोस्तों देखिए हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले एक इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी जो है ड्रॉ करने वाला हूँ, तो इस तरीके से देखिए आप जो है हल्के से अपनी HB की पेंसिल आप जो है यूज़ करेंगे नटराज की, और इस तरीके से ड्रॉ कर लेने के बाद एक हाइट जो है यहाँ पर वर्टिकल इस तरीके से बना लेंगे। अब वो हाइट आप जो है कितनी भी जो है अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये हाइट ले लेने के बाद इसको आप जो है इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन चुका है। अब ये बॉक्स बन जाने के बाद सेंटर से इसको जो है आप यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। तो ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में हमारे पास वो रेक्टेंगल डिवाइड हो चुका है। अब डिवाइड हो जाने के बाद दोस्तों हमारा अगला स्टेप रहेगा नोज की आउटर शेप के लिए। तो देखिए हमें करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि अपने कॉर्नर से, यानी कि जो हमने रेक्टेंगल बनाए थे वहाँ से हम जो है उसको इस तरीके से ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। सो डैट आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ये एक डिवीज़न है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो हम जो है 3 इक्वल डिवीज़न कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पर आराम आराम से जो है चीज़ों को ड्रॉ कर रहे हैं। एंड आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो ये एक चॉकलेट जैसा यहाँ पर पैटर्न बन चुका है। अब हमें जो है अपने नोज़ की आउटर शेप को ड्रॉ करना होगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर अब यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो जितना पार्ट आपका जो है यहाँ पर क्रॉस होगा लगभग राइट साइड के एरिया में भी आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमने किस तरीके से ड्रॉ किया है अपनी नोज़ की शेप को। ये नोज़ की शेप जितना ज़्यादा बाहर होगी आपकी नोज़ उतनी ही ज़्यादा ब्रॉड होगी, एंड जितना ये नोज़ क्लोज आएगी उतनी ये ज़्यादा नैरो हो जाएगी। तो जो मेरे बिगनर दोस्त हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे कि लाइन के जितना बाहर आप अपनी नोज़ की शेप को लेके जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अब हम किस तरीके से अपने नोस्ट्रिल्स को बराबर रखने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एंड अब इस तरीके से यहाँ पर हमने जैसे राइट साइड में भी नोस्ट्रिल बनाए हैं वैसे हमने लेफ्ट साइड में भी बना दिए हैं। तो ये हमारे सामने एक नोज का पैटर्न रेडी हो चुका है। अब ये नोस्ट्रिल के ऊपर से हम इस तरीके से देखिए राउंड उठाएंगे, और राउंड उठाने के बाद धीरे धीरे से फिर इसको ऊपर की तरफ लेते हुए जाएंगे। याद रखिए दोस्तों कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ड्राइंग का पैटर्न, बस आपको समझना है कि स्टेप बाय स्टेप आपको आराम से उसको फॉलो करना होगा। बल्कि आप वीडियो के साथ ही दोस्तों ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलने वाली है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरीके से ऊपर ले जाके हमने इसको ये शेप दे दिया है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे हमारे पास यहाँ पर नोज़ की शेप आ चुकी है। अब इस शेप को जो है हमें दोस्तों शेड करना शुरू करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न है वो हमने किस तरीके से यहाँ पर डिवाइडेड किया है, और एक्स्ट्रा जो हमारे यहाँ पर लाइन्स हैं उसको हम पहले मिटा देते हैं ताकि हम जो है अपना नोज़ वाला पार्ट शुरू कर सकें। तो नोज़ वाले एरिए को शेड को करने के लिए अब पेंसिल हम यहाँ पर जो है दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास 6B की पेंसिल है, कैमलिन की ब्रांड है हमारे पास। तो आप चाहें तो अप्सरा की ले सकते हैं, चाहे तो आर्ट लाइन की ले सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है कैमलिन की यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। तो नोस्ट्रिल्स को पहले हम यहाँ पर डार्क करना शुरू कर देते हैं, सो डैट जो मेरे बिगनर्स हैं, जो मेरे बिगनर दोस्त हैं आर्ट लवर हैं, वो ये बात समझेंगे कि आप हमेशा उसी एरिया से जो है अपना काम शुरू करें जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इजी लगे, कंफर्ट लगे। घबराहट में जो है अपनी पेंसिल को बिल्कुल नहीं चलाना आपको। तो इस तरीके से जो है इसका प्रोसीजर हम जो है फॉलो करेंगे, और शेडिंग को जो है ये देखिए यहाँ पर हमारे सपोज़ कीजिए लाइट आ रही है। अब लाइट के पैटर्न को भी समझना है कि ये एरिया लाइट रहेगा हमारा और ये अपोजिट वाला डार्क रहेगा। तो उसी बिहाफ पे हम जो है नोज़ का एक साइड का एरिया दोस्तों डार्क रखेंगे और नोज़ का दूसरी साइड का एरिया जो है लाइट रखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइक आंखें बनाते हैं तो उसमें कंट्रास्ट एंड लाइट ज़रूर दीजिए, लिप्स बना रहे हैं तो उसमें भी दोस्तों आपको जो है लाइटिंग इफ़ेक्ट का ध्यान रखना चाहिए, उससे जो है आपकी चीज़ें और ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लगती हैं। तो अब इसी तरीके से दोस्तों हम शेड करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि स्लांटिंग डायरेक्शन में जो है हमने शेड किया है, और नीचे सब इस तरीके से घुमा करके ऊपर की तरफ जाएंगे, और फिर बाद में इसको ब्लेंड भी करेंगे थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए।
तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारी जो नोज़ है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। एंड किस तरीके से दोस्तों हमने इसमें शेड किया, आई होप दोस्तों आपको अच्छे से जो है पूरा शेडिंग का पैटर्न समझ में आया होगा। और अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। एंड कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही या नहीं रही, एंड क्या आपने जो है अपनी नोज़ बनाने के लिए कोशिश की या नहीं की। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में।